स्कूल, आपके माता पिता आपसे प्रसन्न नहीं है। ये वो देश है जहां लिखा गया प्रातिकाल उठ के रघुनाथा मातो पिता गुर ना वही माथा। वो माता पिता आपसे प्रसन्न नहीं, वो आपके बुजुर्ग आपसे प्रसन्न नहीं, आपके गुरुजन आपसे प्रसन्न नहीं। उनकी अप्रसन्नता को लेकर के आप अपने जीवन में टेंशन डिप्रेशन को लेकर के डॉक्टरों की दवाइयां और गोलियां खाते फिर रहे हो। अभागे बने बैठे हैं भाग्यवान होने के बाद। भारत को चाहिए जीविका के विद्या के साथ साथ जीवन की विद्या को अपनाने का योग्यता। और मैं इतना प्रसन्न हूं श्रीमान अश्विनी चौबे जी ने, इनके पूरे परिवार और पूरे बक्सर के लोगों ने मिलकर, हमारा पुत्र अर्जित, मैं इनको बहुत दिनों से जानता हूं, अर्जित ने इतना मेहनत किया, कभी ये जगह खेत हुआ करता था। अर्जित और अर्जित के मित्र आज यहां लग रहा है जैसे कोई नया नगर बस गया है, प्राचीन नगरी बस गई है। ऐसा लग रहा है जैसे मंदिरों का कोई समूह हो, ऐसा लग रहा है जैसे आध्यात्मिक विरासत हमारे इस धरा पर उतर आई हो। कण कण से मानव ज्ञान, कण कण से प्रेम और कण कण से शांति का संदेश आ रहा हो। ये धर्म है और ये धर्म शास्त्र के लिए इतना परिश्रम करने वाले अब इस संसार में बहुत कम लोग बचे हैं। याद रखिए, भारतवर्ष की भूमि ही कभी अफगानिस्तान की भूमि हुआ करती थी, कभी पाकिस्तान, कभी बांग्लादेश हुआ करती थी। मैं आपको चेतावनी नहीं दे रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ, अब ये वही अफगानिस्तान है जहां पर भागने के लिए लोगों ने विमान के चक्के पकड़ करके भागना प्रारंभ कर दिया। बताओ, पढ़े लिखे लोग थे, समझदार थे, हवाई जहाज उड़ रही थी, उसके चक्के पकड़ लिए, गिर के मर गए। किस देश से भाग रहे थे? कभी कांधार, कांधार, गांधारी, धृतराष्ट्र की पत्नी, जहां बांध के आई थी वो भी। आज उस देश की वो हालत है, वो भी कभी भारत था, जहां पढ़े लिखे होने के बाद भी अपने ही देश के लोग, और जानकर आश्चर्य होगा आपको, वो कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता, पर भागने वाले उस देश में वही लोग थे, चक्के पकड़ पकड़ के भाग रहे थे। उस देश में कहीं शांति नहीं, आनंद नहीं, पूरी दुनिया में आज अगर सभी धर्मावलंबी कहीं आंख उठाकर देखते हैं तो भारत की ओर देखते हैं कि अगर कहीं शांति से रह सकते हो और अपने धर्म और मजहब का पालन कर सकते हो तो भारत की भूमि। नहीं तो 57 कंट्री है जिसमें से 54 में रोज बम फूटते रहते, 54 में रोज क्लैश लगा रहता है। ये भारत की भूमि है जहां आप अपने अपने संप्रदायों के अनुसार, मतों के अनुसार, अपनी अपनी पूजा पद्धतियों के अनुसार रह सकते हैं। परंतु भारत की इस भूमि पर बक्सर में इस प्रकार का आयोजन करके माननीय अश्विनी चौबे जी ने केवल बक्सर को ही नहीं, मैं कल हैदराबाद की बात कर रहा हूं, अभी जल्दी लंदन जाने वाला हूं, मुझे पक्का पता है लंदन तक भी इसका खबर होगा, लोग कहेंगे वहां पर ऐसा ऐसा हुआ। महाराज, ये पूरी दुनिया में खबर रहे। आप धर्म का काम करोगे, आप श्रेष्ठ कर्म करोगे, और धर्म केवल कथा सुनने के लिए नहीं होता। आप आए, 7 दिन सुन के चले गए। आप अपने आप से पूछिए, आपके जीवन में कोई परिवर्तन भी आया क्या? आप अपने बच्चों के लालन पालन में कोई अंतर लाने वाले हो क्या? आप जीविका की विद्या के साथ साथ जीवन की विद्या भी उनको देने वाले हो? ग्लैमरस दुनिया, सुशांत सिंह राजपूत, आपने देखा क्या हुआ उनका? आप अगर पुराने फिल्म देखने वाले हो तो मधुबाला और मीना कुमारी के बारे में पता कर लेना क्या हुआ उनका। आप अगर आईएएस आईपीएस की बात करते हो तो मैंने बात यहां उठा दी। अगर आप डॉक्टर इंजीनियर की बात करते हो तो गोलियां मार करके, नींद की गोली खा करके स्वयं आत्महत्या करते हुए आपने सुना होगा। आखिर क्या कारण है इतनी ऊंची विद्या होने के बाद भी व्यक्ति अपने जीवन की रक्षा नहीं कर पाता? क्या कारण है? अगर पढ़ाई सब कुछ है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन सब कुछ होता है, तो इतने बड़े बड़े लोग आत्महत्या कैसे कर लेते? पागल कैसे हो जाते? टेंशन में कैसे रहते? क्यों दौड़ते रहते हैं मंदिरों में जाकर के कि मुझे शांति दो? इसका मतलब प्रारंभ से जो विद्या मिलनी थी उस विद्या में कहीं न कहीं कोई कमी हो गई, कंजूसी हो गई। अभी हमारा धर्म आधे घंटे का बन गया, सुबह उठ करके आधे घंटे पूजा करते और 23.5 घंटे क्या करते? आधे घंटे के लिए प्रहलाद बनते और 23.5 घंटे के लिए हिरण्यकश्यपु बनते। तो आधे घंटे प्रहलाद बनने का भी फल मिलेगा और 23.5 घंटे हिरण्यकश्यपु बनने का भी फल मिलेगा आपको। ये धर्म आधे घंटे, डेढ़ घंटे, 2 घंटे का नहीं है, ये 24 घंटे आपके जीवन में उतरता है। यहां भी बैठे हैं तब भी धार्मिक हैं, कमरे में भी हैं तब भी धार्मिक हैं, पूजा के घर में हैं तब भी धार्मिक हैं। अरे आप तो सनातन धर्मावलंबी हो, हिंदू धर्मावलंबी हो, आपके यहाँ 16 संस्कार हैं जिसमें पुंसवन संस्कार है, गर्भधारण का भी संस्कार है, अर्थात बेडरूम भी आपका मंदिर है। यहाँ केवल मंदिर ही मंदिर नहीं है, सनातन धर्म इतना विराट, इतना विशाल है कि हर कोने में धर्म स्थापित है। लेकिन कहीं ना कहीं हमने पूजाओं को आधे घंटे में सीमित कर दिया।
जिसके कारण भारत की ये स्थिति है जो कभी विश्व गुरु हुआ करता था। यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के इंजीनियर, यहाँ के जो मेरिटेरियस लोग हैं वो अमेरिका में जाके नौकरी कर रहे, लंदन में जाके नौकरी कर रहे, कुवैत में जाके नौकरी कर रहे, भारत में, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान विहीन हो रहा है। और आध्यात्म का एक लाइन में सीधा अर्थ समझ लो, अध्ययन धन आत्मा। इस शरीर की पढ़ाई के साथ साथ आत्मा की पढ़ाई भी जरूरी है। द बिगनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिज्म इज हू एम आई, व्हाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग। जानते ही नहीं हम क्यों हैं यहां, किस लिए आए हैं, क्या कर रहे हैं, मैं कौन हूं। अब अंतिम बात, चौबे जी, रावण की सभा में हनुमान जी आए, बांध कर लाया गया। वाल्मीकि रामायण का बड़ा सुंदर दिव्य प्रसंग है। पूछते हैं महाराज धीराज रावण, कहते कपे, अय कपे, अय बंदर, कौन है तू। हनुमान जी चुपचाप देखते, हनुमान जी के मन में चिंतन हो जा, मैं कौन हूं, हु एम आई। अगर राम जी के विषय में पूछा होता तो भी नौधा रामायण कह देता, नौ दिन की राम कथा कर देते हनुमान जी, पर मैं कौन हूं, मैंने कभी विचार ही नहीं। हनुमान, हनुमान का अर्थ होता है जिसने अपने मान का हनन कर दिया। हनुमान का अर्थ होता है, हनु का अर्थ होता है चिन्ह, ये दाढ़ी, इंद्र के वज्र से जिसकी दाढ़ी पर ठोकर लगा हो, हनुमान। अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, पिछले अवतार में तो कुछ और था, इस अवतार में कुछ और हो, अगले अवतार में मम्मी बदल जाएंगी, पापा बदल जाएंगे, सब बदल जाएंगे, देन हू एम आई, मेरा रियल परिचय क्यों है। उसी समय माता सीता ने जो चूड़ामणि उनको दी, इन्होंने मुद्रिका दी, उन्होंने चूड़ामणि दिया, चूड़ामणि से माता सीता प्रबोध करती, हनुमान इस रावण की सभा में तुम बैठे हो, राम के दूत हो, ये रावण तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, ये पूछ रहा है कि ये राम जो पूरे भारत के आर्य श्रेष्ठ हैं, क्या उनका दूत ज्ञानी भी है। देखने में तो बंदर है पर ज्ञानी है कि नहीं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुणधानम वानरानाम अधीशम रघुपति प्रवक्तम वादजातम नमामि। भैया कितना ज्ञान है, क्यों नहीं बता पा रहे हो, कौन हो तुम। कहा माता जी मैं क्या बताऊं, मैं चिंतन कर रहा हूं, मैं कौन हूं, मुझे मेरा पता मिल ही नहीं रहा है। माता सीता ने कहा एक काम करो, बड़ी प्यार की बात सुनना, बड़े विद्वान लोग बैठे हो, बक्सर विद्वतों की भूमि है, विद्वानों की भूमि है। माता सीता ने कहा एक शर्त पे बताऊंगी, मुझे गुरु मानने को तैयार हो जाओ। हनुमान जी ने कहा कोई गुरु था भी नहीं माता, तुम्हें गुरु बन जाओ, अभी गुरु मान ले, चलो फिर तो मैं तुमको बता देती हूँ, प्रबोध दे देती हूँ। माता सीता ने प्रबोध दिया और उस समय रावण की भरी सभा में हनुमान जी ने दोनों हाथ उठाकर कहा दासोहम कौशलेंद्रस्य, मैं दास हूं भगवान कौशलेंद्र श्री राम का, यही मेरा परिचय है। जीव हो श्री कृष्णेर नित्य दास, दासोहम शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि का प्रारंभ दासोहम से ही हो सकता है। पहले अगर शिवोहम कह गए, पहले अगर अहम ब्रह्मास्मि कह गए तो अहंकार से भर जाओगे और अहंकार के वशीभूत होकर के न जाने फिर क्या क्या बन जाओगे। दासोहम कौशलेंद्रस्य, अच्छा रावण बड़ा साइकोलॉजी का वार करता, ऐसे ही रावण थोड़ी था, ऐसे ही सबूर के यहां थोड़ी बंधे हुए थे, ऐसे ही थोड़ी सोने की लंका बना के रखा। रावण ने साइकोलॉजिकल वार किया, ओ तुम नौकर हो, दास, स्लेव, आर यू सर्वेंट। अरे मैं तो सोचा था मेरे बेटे अक्षय कुमार को मार दिया, हिंद केसरी होगा, कहीं का राजा होगा, कहीं का सिंहासन का अधिपति होगा, पर तुम एक दास हो, नौकर हो। फिर साइकोलॉजिकल वार किया, हमारे जैसे लोग होते तो धीरे से कह देते, सिपाही जी होते तो कहते थे हम आई जी, दरोगा जी होते तो कहते थे हम एसपी, और हम अगर मुनीम होते तो कह देते कि हम जनरल मैनेजर हैं, हम जरूर बढ़ा के कहते। पर वहां हनुमान जी बैठे हुए, हनुमान जी के ऊपर मनोवैज्ञानिक वार करता है रावण, और पुनः देखते हैं चूड़ामणि की ओर कि हे गुरुदेव भगवान एक और प्रश्न आ गया है, हे माता जानकी एक और प्रश्न। माता ने पुनः प्रबोध दिया और अब की बार जो हनुमान जी ने जवाब दिया, दोनों मुट्ठियां भींची, हाथ ऊपर उठाया, कहा सुन रावण, तू काम का दास, तू चाम का दास, तू नाम का दास, तू दाम का दास, तुझसे तो अच्छा मैं श्री राम का दास। इस दुनिया में दासत्व तो करना पड़ेगा, चाहे काम की करो, काम का अर्थ है डिजायर, चाहे दाम की करो, चाहे चमड़े की करो, गुलामी तो सभी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, पर जीवन उसी का धन्य है
जिसने राम का दास होना स्वीकार किया, जीवन उसी का धन्य है जिसने श्री कृष्ण का दास होना स्वीकार किया। इसलिए जीवन में दासता ही लेनी हो तो श्री राम श्री कृष्ण की लेना, संत की लेना, महंत की लेना, गुरु की लेना, ज्ञानी की लेना, भक्तों की लेना, इनका दासत्व तो अच्छा है, बाकी दुनिया में दासत्व तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा और जिंदगी बेजार हो जाएगी। अंतिम बात ये कहते हुए, विश्वास की भूमि है जाकिर नायक ने एक सवाल उठाया था टीवी चैनल से, जो पूरी दुनिया में बड़ा फेमस हुआ था। अब आप चुकी बाबा विश्वामित्र के जगह के हो इसलिए आपसे भी प्रश्न पूछ के चला जा रहा हूं, फिर दोबारा जब आऊंगा तो आपसे उत्तर पूछूंगा, क्योंकि आपका दायित्व तो बनता है क्योंकि आप विश्वामित्र जी की भूमि से हो। उसने पूछा कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान राम ने अपना गुरु विश्वामित्र जी को क्यों बनाया? क्योंकि उन विश्वामित्र जी के ऊपर एक बात यह भी है कि मेनका जब उनके सामने आई तो मेनका के साथ वो चले गए। अब नीचे मत देखिए, आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है दुनिया में, जब आप न जानोगे तो आपके बच्चे कैसे जानेंगे, आपके बच्चे जवाब कैसे देंगे? आप किसी मंच पर आपसे सवाल पूछा जाएगा सनातन धर्म के संबंध में तो क्या जवाब दोगे? क्या चिल्लाकर मुंह बंद कर दोगे? दुनिया तर्क पूछेगी, दुनिया इसके पीछे विज्ञान पूछेगी, क्या जवाब दोगे? बोला भगवान राम जब इतने मर्यादा पुरुषोत्तम है तो गुरु भी एक बहुत मर्यादित को बनाते, विवादित को क्यों बनाया? विवादित कह दिया उन्होंने विश्वामित्र जी को। अब मैं बक्सर की भूमि पर, बक्सर के विद्वानों, मेरे भाइयों, आपके लिए सवाल छोड़े जाता हूं। अगर आप जवाब न दोगे तो तीन दिन के बाद, चाहे आज तक चाहे आर भारत पे आके, मैं जवाब दे दूंगा, आपको मिल जाएगा। लेकिन जरा आप अपने बच्चों से पूछो, स्वयं से पूछो कि अगर इस प्रकार का प्रश्न सनातन धर्म और हिंदू धर्म के संबंध में पुराणों से, शास्त्रों से कोई पूछता है, जबकि हमारे शास्त्र और पुराण से बड़ा लॉजिक शास्त्र कहीं दुनिया में नहीं है, एक एक चीज के पीछे विज्ञान है। मैं एक बहुत अच्छी पुस्तक भी लिख रहा हूं हिंदी इंग्लिश में, जरूर आपको मिलेगी, साइंस बिहाइंड रिचुअल्स। उन रिचुअल्स के पीछे साइंस क्या है, किस कारण से रिचुअल्स बनाए गए, किस कारण से बर के पौधे में जाकर के हमारी माताएं बट सावित्री व्रत करती हैं, किस कारण से हम जाके चल देते हैं, क्यों हम ये रोली मोली लगाते हैं, इन सब के ऊपर क्या केवल मंत्र पढ़कर के दक्षिणा लेने की बात है? नहीं, इनके पीछे वर्तमान विज्ञान क्या कहता है, उन वर्तमान विज्ञान के आधार पर पुस्तक लिख रहा हूं, और ये हर नौजवानों के बीच जाना जाएगा, पूरे विश्व में एक साथ आएगा, आपके पास भी आ जाएगा। इन प्रश्नों का जवाब अगर हमारे पास नहीं होगा तो आने वाली दो तीन पीढ़ियों के बाद, एक पीढ़ी के बाद, मैकोले ने तीन पीढ़ी हमारी गायब कर दी। मैकोले ने अपने पिता को लिखा था 1858 में चिट्ठी कि पिताजी नाराज मत हो, भारतवासियों को मैं आजाद कर देंगे, लेकिन शरीर से तो आजाद हो जाएंगे पर मानसिक रूप से सदा गुलाम रहेंगे, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था हमारी इन पर लागू रहेगी। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज आपके बच्चे हिंदी नहीं जानते। आज मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने एक निमंत्रण पत्र दिया श्रीमान चौबे जी को, उन्होंने ऊपर से देखा अंदर इंग्लिश लिखा हुआ था, उन्होंने कहा हिंदी कहां, हिंदी में होना चाहिए, लाखों करोड़ों लोग हिंदी पढ़ते हैं। मैंने कहा लगता है आपको गलत सी इंग्लिश वाली मिल गई। कितना ध्यान, अपनी भाषा का गौरव जिसे नहीं, अपने आध्यात्म का गौरव जिसे नहीं, अपने संस्कृति और धर्म का गौरव जिसे नहीं, वो देश बहुत दिन तक बच नहीं सकता। याद रखना ये काम सिर्फ सरकारों का नहीं है, सरकार तो बहुत अच्छी आई है, काम कर रही है, और आप बैठ करके नुक्ता चीनी ही करते रह जाओगे। सरकार के साथ साथ जब पूरा समाज कदम से कदम मिलाकर खड़ा होता है तब राष्ट्र की संस्कृति अक्षुण हो जाती है और चोटी पे पहुंच जाती है। इसलिए आज भी आपका दायित्व है, केवल वोट दे के बैठ जाना दायित्व नहीं है, अपनी संस्कृति को बचाना है, धर्म को बचाना है, राष्ट्र को बचाना है, देश को बचाना है। अभी कैंसर की बात कर रहे हैं, पंजाब में हरित क्रांति हो, कैसी हरित क्रांति हुई, हर वीक कैंसर के स्पेशल ट्रेन चलते, क्या इसी हरित क्रांति के लिए भारतवर्ष परेशान है, हैरान है? आज ट्रेनों से भर भर करके कैंसर के पेशेंट जाते हैं पंजाब से, जो खुद पैदा करते उसको नहीं खाते, कहते हम तो ऑर्गेनिक खाएंगे, इसको हम भेज दे रहे हैं। दुनिया में कितना गड़बड़ चल रहा है, देखो हम सब मिलावट कर रहे हैं, सब दो नंबरी सामान बेच रहे हैं और अपने लिए ऑर्गेनिक खोज रहे हैं।
अब तो ऑर्गेनिक भी दो नंबर ही आ जाएगा, तब क्या करोगे? तुम्हारी भी किडनी आ जाएंगी, तुम्हारे भी लीवर जाएंगे। इसलिए भारत सरकार से हमने एक मांग भी किया है और हमने बहुत जल्द एक PIL भी डालना है मुझे कि मिलावट खोरी भी सबसे बड़ा अपराध है। अनजाने में हमारे बच्चों की किडनी खराब हो रही है, जो बच्चा 70 साल तक जीने के लिए आया हुआ है वो मारा जा रहा है ये मिलावटी खाना खाकर। तो बहुत से विषयों पर बात करना है मित्रों, लेकिन मैं आपके बीच में आकर और ये सांस्कृतिक मंच को, यद्यपि मैं एक बात और बताते हुए जाऊं, कोई भी संस्कृति तभी बच सकती है जब उसका नींव धर्म हो। धर्म के नींव पर संस्कृति बच सकती है, संस्कृति के नींव पर धर्म नहीं बच सकता। विद्वान होंगे तो समझिएगा इस बात को। संस्कृति तभी बचेगी जब आपका धर्म मजबूत हो, नींव मजबूत हो। हम संस्कृति बहुत मजबूत कर दें, धर्म गायब हो गया हमारे जीवन से, तो बात बनेगी नहीं। इसलिए याद रखना भारतवासियों, बक्सर वासियों, धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों के लिए प्रयत्न करना है। कोई भी काम करना तो देखना कि इसमें धर्म है कि नहीं, अर्थ है कि नहीं, काम है कि नहीं, मेरा मोक्ष सदरा है कि नहीं। अलग अलग नहीं, गंगा जी आपके पास भी है, आप गंगा जी की आरती करते हो, पर बाढ़ में जब गंगा जी आपके घरों में घुस जाती है तो झाड़ू से गंगा जी को बाहर निकाल देते हैं। गंगा जी पूज्य हैं, आरती करने योग्य हैं, पर अपने किनारों को तोड़ करके जब तुम्हारे घरों में घुस जाती हैं तो तुम झाड़ुओं से निकाल देते हो। याद रखना ऐसे ही ये गंगा है क्या कहा, ये दो किनारे हैं, मोक्ष और धर्म किनारे हैं, और बीच में नदी बह रही है अर्थ और काम की। जिस दिन मोक्ष और धर्म के किनारे तोड़ दोगे तो तुम्हारी पूजा नहीं होगी मनुष्य के रूप में, तुम्हें भी झाड़ू मार करके टेंशन और डिप्रेशन में ये जगत और ये प्रकृति तुम्हें निकाल देगी बाहर। और आज यही हो रहा है, मोक्ष और धर्म ये किनारे, अर्थ और काम इसमें बहने वाली सलीला। ये सलीला अगर बहे इन दोनों किनारों में तो आपका जीवन प्रभु श्री राम, महात्मा भरत, भैया लक्ष्मण और भैया शत्रुघ्न के जैसा हो। चतुर्विध पुरुषार्थ, ये चारों पर दो पे अटके रह गए तो डिप्रेशन से बचोगे नहीं। बस मैं इतना ही निवेदन करके अपनी वाणी को विश्राम देता हूं, क्योंकि इसके बाद आप सांस्कृतिक कार्यक्रम देखिए, मौज में रहिए, आनंद में रहिए। आप सभी वृंदावन जरूर आएंगे, 5,500 वर्ष पूर्व वृंदावन का जो एक सुंदर चित्र है, हमारे चौबे जी वहां गए और हमारे गया के पंडा जी भी वहां गए, गया के हमारे वो, और एक दिन रहे वहां रहे। और जब संध्या हुआ तो कह रहे थे ऐसा लगा जैसे गोलोक पृथ्वी पर उतर आया। 1,000 दीपकों से रोज सालों भर आरती होती, सीमेंट का प्रयोग नहीं किया, बिजली नहीं रखा हमने अपने आश्रम में। यमुना जी का रज है, लता है, पता है, चौपड़ियां हैं। आज भी आप आओगे तो आपको लगेगा जैसे 5,500 वर्ष पूर्व जैसे श्री कृष्ण जिस वृंदावन में है वही वृंदावन वहां पर उपस्थित है। आप सबको आमंत्रित करता हूं, आपके रहने आपके प्रसाद की सदा वहां व्यवस्था रहती है। बस आप हरि नाम करते हुए आए, वहां रहें, प्रसाद पाएं, आनंदित रहें, मस्त रहें। वृंदावन की धरती आपको बार बार पुकार रही है, और जीवन में फिर कभी चौबे जी ने अवसर दिया, अरिजीत जी ने अवसर दिया तो फिर कभी आएंगे। आज ये प्रवचन का अवसर नहीं था, ये तो हमने जबरदस्ती, इन्होंने कहा तो हमने कर दिया, जबरी जी इसको बोल दिया। नहीं तो एक मूड होता है बैठने का, जब बैठे हुए हैं मूड में तब करेंगे, लेकिन चलो कड़वी दवाई जबरी भी खिला दी जाए तब भी काम आ जाएगा, तो कछु तो काम आ ही जाएगा। जो विश्वास में है वही वृंदावन में है, और जो शंका में है वही लंका में है। इन्हीं वाणी के साथ अपनी इस भगवत वाणी को विश्राम देता हूं। जय 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 परम स्वामी जी के बहुत सुंदर वचन सुनकर के बहुत लोग प्रभावित हैं। परम आदरणीय परमादरणीय मंत्री जी श्री अश्विनी कुमार चौबे साहब, लोकमान तिलक का गीता रहस्य, लोकमान तिलक जी का गीता रहस्य समर्पित कर रहे हैं स्वामी जी को। मंचन जी बहुत अच्छा स्वामी जी जी हाँ आदरणीय
यह लोकमान तिलक जी का गीता रहस्य है। मंडाले जेल में उन्होंने लिखा था, आजादी की लड़ाई में उन्होंने को सजा हुई, और बर्मा में जेल में इस महान ग्रंथ की रचना की। और स्वामी जी आदरणीय बाबा जी के प्रेरणा से इस पर, मैंने दुर्भाग्य की 100 वर्षों में इस पर कोई काम नहीं हुआ, 1920 के बाद कोई काम नहीं हुआ, इनके प्रेरणा से हम लोग 1,00,000 प्रति छापे हैं जी। गीता रहस्य, लोकमान तिलक का गीता रहस्य, आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसका विमोचन किए, जो डॉक्टर जोशी साहब और प्रेरणा आदरणीय अश्विनी कुमार चौबे साहब का था, और हम लोगों ने मिलकर 3 साल संघर्ष लगातार काम करते हुए पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में हम इसको पहुंचा रहे हैं। और आदरणीय हमने के सांसद साहब मंत्री जी के आदेश पर एक लाइन सम्मान में भजन यहाँ करनी है ना, सरकार के आदेश पर हम एक लाइन कि रहुआया गईला से आचरण कमल धैला से, कि रहुआया गईला से आचरण कमल धैला से, धन्य हो गईली बक्सर नगरी बसल गंगा के कगरी, धन्य हो गईल बक्सर नगरी बसल गंगा के कगरी। आज ऐसा लगता ऐसा अद्भुत बड़ संत समागम हम अपना जिंदगी में पहल का बार अपना ये बक्सर के धरती पर दिखले बनी, आ नहीं तारा में स्वामी जी हमने के करौले रही ऐसे कि राम ही राम हो रटन लागे जिभिया से, राम ही राम हो रटन लागे जिभिया से, रटलास नाम हमरा रटलास नाम हमरा मिलला या राम हो रटन लागे जिभिया से, राम ही राम हो रटन लागे जिभिया से। और अंतिम लाइन कि गोड़वा कहेला हम तीर्थ करबै हो, गोड़वा कहेला हम तीर्थ करबै हो, अखिया कहेले हम अखिया कहेले हम देखबी बक्सर धाम हो रटन लागे जिभिया से, राम ही राम हो रटन लागे जिभिया से। एक बार प्रेम से बोल दी रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, स्वामी जी महाराज की, पार्वती पताया हारा। सबसे निवेदन है कि नाट मंचन की परंपरा है कि कलाकार के अलावे मंच पर सब नीचे चले जाएं तो बड़ी कृपा। स्वामी जी और बाबा के अलावे सभी लोग मंच से नीचे चले जाएं कृपया करके, सब सादर अनुरोध है। सबसे यह नाटक का अपना नियम होता है, कृपया सब नीचे चले जाएं, आदरणीय कृपया करके कलाकारों का सम्मान होता है। हाँ, कोई भी एक भी आदमी